फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनवेशा क्रिएटिविटी। और आज का वीडियो है बहुत ही अच्छी एक हेज के ऊपर, क्योंकि अगर आप में से कोई मेरे व्यूअर फ्रेंड अपने बैल्कनी गार्डन में तो नहीं, बैल्कनी गार्डन में अगर हैंगिंग बास्केट लगाएंगे तो उसको ज़रूर लगाएं। और अगर जो भी मेरे व्यूअर जो हैं वो अगर अपने घर में छोटा सा गार्डन बना रहे हैं या फिर क्यारी बना रहे हैं, तो एक हेज है जो आप अगर लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा उसके साथ में लगेगा और बहुत ही कलरफुल सा हेज है। और गर्मियों में अगर आप उसको मिक्स करके लगाएंगे ना, दो कलर की हेज, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेगी। इजी टू मेंटेन है, इजी टू ग्रो है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, जैसे मर्जी लगाएं आप उसको और वो बहुत अच्छे से चलेगी। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है आयरजाइन हेज। और कैसी दिखती है मैं बता देती हूँ। एक उसके दो कलर में आती है, एक तो कलर है ये पर्पल कलर, ये मरूनिश पर्पल कलर है। और आज देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है, तो एक तो ये है मरूनिश पर्पल कलर और दूसरा आता है इसमें ग्रीन कलर। तो ये मरून कलर की है, जब इसके पत्ते अभी नई ग्रोथ होती है तो ये इस टाइप से हल्के ग्रीन होते हैं, और जैसे पुराने पुराने होते जाते हैं ये उस टाइप से मरूनिश होते जाते हैं। और इसके साथ में अगर आप ग्रीन कलर की हेज जो होती है वो मिक्स करके अगर अपनी क्यारी बना रहे हैं तो क्यारी में भी इस टाइप से डिवाइडर बना सकते हैं इस हेज के साथ में। और अगर आपने गार्डन बनाया है तो आप अपने किनारे किनारे इसकी बाड़ जैसी जो लगाई जाती है तो वो भी लगा सकते हैं। तो अगर आप थोड़े थोड़े पोर्शन में मिला करके लगाएंगे, जैसे थोड़े पोर्शन में ये मरून वाली लगा दी, फिर ग्रीन वाली लगा दी, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती है। अच्छा, मैं बात करूँ इसकी वाटरिंग की, तो इसको जैसे गर्मियों में तो डेली आप वाटरिंग करते हैं एक टाइम पर मॉर्निंग में, और जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है, जैसे मई जून जून में जब गर्मी आती है तो आप इसको दो टाइम भी पानी दे सकते हैं। और सर्दियों में तो इसको बिल्कुल भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि विंटर में भी मैंने इसको जब लगाया, इसको मेरे पास लगे हुए 2 साल हो गए, लेकिन जब विंटर में मैंने इसमें पानी जो देती थी वो दिन भर में, मतलब 2 दिन में या 3 दिन में एक बार पानी देती थी, क्योंकि इसको विंटर में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और आप देखिए कितनी ज़्यादा हवा चलती है। तो बस, और ये जितनी जितनी बड़ी होती जाती है आप उसकी कटिंग करके आप इसको अपने मनचाहे शेप में बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि पार्क वगैरह जो होती है, पार्क में आपने लोहे के जो स्टैचू टाइप के होते हैं जैसे पार्क की डेकोरेशन के लिए, तो उसमें इसी का यूज़ किया जाता है, इसकी ग्रीन कलर वाली हेज का। इसका नाम है आयरजाइन हेज। आप अपने स्क्रीन पर इसका स्पेल देख सकते हैं, इसकी स्पेलिंग। तो इसको आप नर्सरी पर लगा ले सकते हैं, बहुत ही सस्ते मिलती है, 10-20 रुपए में आपको आराम से ये पौधा मिल जाएगा। और अगर आप इसको अपनी क्यारी में भी नहीं लगा रहे हैं, अगर आपने गार्डन में भी नहीं लगा रहे, तो आप इसको एज ए बालकनी डेकोरेशन के लिए आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगी हुई ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, बहुत ही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ पौधा है, आपको कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। सनलाइट, इसको फुल सनलाइट में भी रखे, सारा दिन सनलाइट में पड़ा रहे तो कोई परवाह वाली बात नहीं है, ये अच्छे से चलता रहता है। और वाटरिंग की मैंने बात कर ही दी है, अगर मैं बात फर्टिलाइज़र की करूँ तो फर्टिलाइज़र आप इसको दीजिए 2 महीने में, महीने में एक बार कोई भी गोबर खाद दे दीजिए। अब जैसे आजकल गर्मियां हैं तो गोबर खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, और जब सर्दियाँ होती हैं तो आप डायरेक्ट इसमें गोबर खाद दे सकते हैं। तो बस यही थी, इतने छोटी सी इसकी केयर है वाटरिंग की, अब मैंने बता दिया। अच्छा, गुड़ाई वगैरह की इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। अब मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है तो इसमें मैं गुड़ाई, मतलब मैंने तो छोटे से गमले में लगाया हुआ है इस टाइप से, तो इसमें मैं गुड़ाई कर देती हूँ महीने में एक बार। और अगर आपने हेज में लगाया है तो बस इसके आसपास हल्की सी सफाई रख दें तो ये चलता रहेगा। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा आज का वीडियो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर से कर दें। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।